मदीने में दिल है दिल में मदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे और आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। पांचों टाइम की नमाज पढ़े, वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक करें, हुस्ने सलूक करें और सभी के साथ में आजिज़ी के साथ में पेश आएँ। ये मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, ये शेब भाई की लोकेशन बता दूँ, शेब भाई अभी कहाँ पर हैं? 3 दिन से हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, उससे पहले अभी शेब भाई की पूरी करंट लोकेशन लाइव अपडेट में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। शेब भाई कहाँ पर हैं अभी, वहाँ से जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ से निकले हैं या नहीं निकले हैं, और निकले हैं तो फिर किधर की तरफ को गए हैं। इंशाल्लाह ताला आप जो है बने रहें, वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए उससे पहले छोटी सी गुजारिश है यार, इसे सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपके पास और भी इस्लामिक जानकारी या शेब भाई की अपडेट या और भी कुछ सब कुछ आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी सुनने के लिए, और कलाम भी इंशाल्लाह अच्छे अच्छे सुनने के लिए मिलते रहेंगे। और एक छोटी सी बात हो रहा है कि जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेरा नंबर नहीं है ना ही है नंबर शेब भाई का, या आयुर्वेदिक दवा की कंपनी का नंबर, किसी भाई को जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करें वरना नहीं करें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, शेब भाई 3 दिन से उसी मरकज में रुके हुए हैं और अभी की लाइव अपडेट बताऊँ आपसे, अभी अपने इलाके में यानी यहाँ उत्तर प्रदेश में बारिश चल रही है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है और बारिश तकरीबन मुझे लगा है 4 से 5 दिन हो गए जो बारिश को होते हुए हो गए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश यूपी में। हम जिला मुरादाबाद और जिला अमरोहा के बीच में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों की दुआओं से हैं कि हमारी 4 लाख की फैमिली होने वाली है। मैं फिर कहता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सब्सक्राइबर तो बड़ी दूर की बात है, आप सब्सक्राइबर नहीं मेरी फैमिली मेंबर हो। तो आपका दिल से शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इतना प्यार देते हैं, इतनी सपोर्ट बनाए रखे हैं, कमेंट्स भी करते हैं। हालांकि कुछ भाई कुछ हमारे बुजुर्ग मुझे फ़ोन करके दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप शेब भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके हज को कबूल करें मेरे भाई के और वो साथ खैरियत के पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब बताऊं कि शेब भाई कहां पर हैं। पहले बाबा की बात सुन लें। जी हां, बाबा ने फिर हमें वीडियो बना के भेजी है कि शेब भाई अभी निकले हैं या नहीं निकले हैं। आप खुद इस वीडियो को देख लीजिए, पंजाब पुलिस के एक जवान से भी उन्होंने बात की है बाबा ने, आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद में आपको कलाम सुनाते हैं। और हाँ, अभी बाबा की वीडियो दिखाने से पहले एक बात और बता दूं, 115 दिन शेब भाई को आज हो गए हैं अपने घर से निकले हुए। वही 8,640 किलोमीटर में से 3,280 किलोमीटर के लगभग आसपास उनका सफर तय हो चुका है बाबा की अपडेट के मुताबिक। जो भाई सोच रहे हैं कि वो बाघा बॉर्डर पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंच गए, बाबा की बात सुन ले, बाबा ने वीडियो बनाई है जहाँ पर शेब भाई हैं मरकज में। मरकज का नाम है रियाजुल इस्लाम, पंजाब के तरन तारण ज़िला है। तरन तारण ज़िला में रियाजुल इस्लाम एक मरकज है तरन तारण सिटी में, जो तरन तारण सिटी पड़ती है ना, तो तरन तारण सिटी के अंदर ही है मदरसा, है मदरसा मरकज है रियाजुल इस्लाम के नाम से। बहरहाल तो उसी में रुके हुए हैं शेब भाई, पंजाब पुलिस भी बाबा भी साथ साथ हैं। अब बाबा की बात सुन ले, बाबा क्या कह रहे हैं, उसके बाद में आपको कलाम सुनाएंगे। इंशाल्लाह दिल की कलियां खिल जाएंगी आपको, कलाम इतना प्यारा है। मदीना जाने की हसरत जो है ना, तमन्ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, पहले बाबा की बात सुने फिर आपको मैं कलाम सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं मोहम्मद जमाल। आज की अपडेट ये है, शेब भाई इसी मरकज में ठहरे हुए हैं। आज है तारीख 24 और पानी गिर रहा है, मौसम ठंडा है और आपके सामने आप देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस के नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, वहाँ भी दिखा दिए गेट में, वो गेट तक का सीन आ रहा है ना, और मरकज वही मरकज है। हम आपकी ताज़ा अपडेट दे रहे हैं और आप सलमान राजा ऑफिशियल यूट्यूब में बने रहें। आप देख सकते हैं कि शेब भाई बिल्कुल नहीं निकले हैं, आपके सामने पंजाब पुलिस के नौजवान यहाँ खड़े हैं। और बाबू जी, अभी सलमान भाई नहीं निकले हैं? नहीं निकले, ऊपर में हैं। तो आप लोग ये ना सोचे कि जो गंदी खबर आ रही है, बुरी खबर आ रही है कि शेब भाई बाघा बॉर्डर पहुँच गए हैं, तो बाघा बॉर्डर नहीं पहुँचे हैं। और थोड़ा पास आओ, मैं आपको और दिखाता हूँ। बाबू जी, शेब भाई यहीं हैं? ऊपरी है, अभी नहीं निकले हैं। आप बुरी खबरों पे ना जाएं और सही अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को देखते रहें। और शेब भाई जैसे ही निकलेंगे आपको अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलते रहेगी। आप लोग तब तक के लिए बने रहें, सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आसमान की ऊंचाई तक आप लोगों को पहुँचाना है। आप लोग के सहयोग से ताज़ा जानकारी के लिए बने रहे। इसके शेब भाई जब बॉर्डर के उस पार चले जाएंगे, उसके बाद भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिलते रहेगी, किसी भी तरह से मिलेगी, किसी भी अपडेट से मिलेगी, इसकी चिंता ना करें। और मैं मोहम्मद जमाल आपकी सेवा में अगली अपडेट लेके हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए। तो देखा, जमाल बाबा साइकिल वाले जो छत्तीसगढ़ से चले हैं
और पूरी इंडिया का 60,000 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय भी कर लिया है। ये पूरी इंडिया घूम चुके हैं साइकिल से हर स्टेट में। दो साल में 60,000 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया है और बहुत जल्दी इनकी वीडियो आने वाली जिसमें ये मोदी जी से कुछ अपील करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो वीडियो को आप जरूर देखना है, वो सुनना है बाबा की बात। तो चलिए अभी आपने लोकेशन जान ली सियाब भाई की, अब आपको कलाम सुनाते हैं। इतना प्यारा कलाम है, शुरू में आपने एक शेर सुन लिया होगा। तो चलिए दुआओं में याद रखना, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करें, पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ें। नमाज में बहुत सुकून है मेरे अजीज़ों। वालिदैन की इज्जत करें और सभी के साथ, हर इंसान के साथ आजिज़ी के साथ में पेश आएँ तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप अपना हुस्न सलूक अच्छा करें, अपना अखलाक अच्छा करें। जिसका अखलाक अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है, और मेरे दोस्त जिसका अखलाक अच्छा नहीं है उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। तो चलिए, क्योंकि किरदार हमारे नबी के किरदार से ही इस्लाम फैला है मेरे अजीज़ों। तो चलिए मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे अपने इस भाई को। मेरी बहन है, मेरे भाई मुझे दिल से सुनते हैं। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे, आपका दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मदीने में दिल है, दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना लग है। मदीने में दिल है, दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना लग है। मदीने में दिल है, दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। हर एक सांस सल्ले अला पढ़ रही है, हर एक सांस सल्ले अला पढ़ रही है। लोगों मेरा जीना मरना अलग है। मदीने में दिल है, दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना लग है। कोई फूल ऐसा महकता नहीं है, किसी इत्र में ऐसी खुशबू नहीं है। खुशबू नहीं है जिधर से वो गुजरे, महक उठे रास्ते। जिधर से वो गुजरे, महक उठे रास्ते। तू मेरे मुस्तफा का पसीना अलग है। जिधर से वो गुजरे, महक उठे रास्ते। मेरे मुस्तफा का पसीना अलग है। मदीने में दिल है, दिल में मदीना, मेरी जिंदगी का करीना अलग है। हर एक सांस चले अला पढ़ रही है। लोगों मेरा जी न मरना अलग है। सबसे अलग है, अगर मां नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो है मां का प्यार जो सबसे अलग है। है भाई बहन यूं तो दुनिया में ले
मगर माँ के कदमों में जीना अलग है। मदीने में दिल है, दिल में मदीना मेरी जिंदगी का करीना अलग है। कैसा लगा कलाम आपको बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हर किसी की कमेंट पर आपको एक हार्ट पेश करता हूं, यानी दिल पेश करता हूं, आप उसको देख लिया करेंगे। सलमान भाई ने हमारे कमेंट देख लिए, तो चलिए आपको कलाम अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, आपने आखिर तक ये वीडियो देखी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब किसी से नहीं करना आता हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका, वीडियो के जड़ में आप देखें लाल कलर में लिख रहा होगा सब्सक्राइब, जैसे ही सब्सक्राइब लिख रहा है ऐसे ही होगा, उसके बाद में उसको बेल आइकन दबा दो बराबर में। इंशाल्लाह आपको सारी वीडियो से भाई की अपडेट मिलती रहेगी, पाकिस्तान तक भी इंशाल्लाह मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, पांचों टाइम की नमाज पढ़ें और लोगों से आजिज़ी के साथ में पेश आएं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़। मिलता हूँ अगली वीडियो में, शहाब भाई की अपडेट आपको बताऊंगा कि शहाब भाई आज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही है। जी हाँ, जहाँ पर शहाब भाई रुके हुए 3 दिन से वहाँ पर बारिश हो रही है, अब बताएंगे इंशाल्लाह शहाब भाई की अपडेट, किसी को पता नहीं होता वो कब निकलेंगे। आज शहाब भाई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे तरन तारण सिटी से, जो पंजाब में पड़ती है, जिला तरन तारण है, सिटी भी तरन तारण है, तहसील भी तरन तारण है, तो अब बता देंगे आपको इंशाल्लाह ताला कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और जिस रास्ते से निकलेंगे आपको वो भी बता देंगे। चैनल पर बने रहे, चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।